बताएंगे हम अब ऑनलाइन। ऑफलाइन में पहले समझ लो एक एक करके टाइप ऑफ डाई और कौन कौन सी डाइयाँ होती हैं, इतनी है इतनी ना लिखी है, ठीक है। तो ए टाइप कटिंग डाई, दो बी टाइप नॉन कटिंग या फॉर्मिंग डाई। अब इनका क्लासिफिकेशन है बाय डिजाइन, सिंपल डाई, ठीक है। अब सिंपल डाई की ब्रीफिंग करते हैं। सिंपल डाई क्या होती है, वन स्ट्रोक, वन ऑपरेशन और वन स्टेशन, ये पहचान होती है सिंगल डाई में, ठीक है। अब इसमें कटिंग डाई और फॉर्मिंग डाई दोनों हो सकती है। सिंपल में सिंपल डाई हो गई, कंपाउंड डाई, कंपाउंड डाई को समझो, एक स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक, टू और मोर देन टू ऑपरेशन, दो या दो से अधिक ज्यादा ऑपरेशन, ठीक है। कटिंग ऑपरेशन ओनली, कटिंग ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म ओनली कटिंग ऑपरेशन, तो इसलिए मैंने ये लास्ट में ये ब्रीफिंग की, ओनली कटिंग ऑपरेशन विद सिंगल स्टेशन। कंडीशन क्या रहेगी, स्टेशन सिंगल रहेगा। दो टाइप की डाई हो गई, तीसरी आती है कॉम्बिनेशन डाई, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन डाई को समझो, एक स्ट्रोक, टू और मोर देन टू ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन डाई, नंबर ऑफ स्टेशन वन स्टेशन, ठीक है। वन स्ट्रोक, टू और मोर देन टू ऑपरेशन, वन स्टेशन, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन है, अब इसमें कंपाउंड और कॉम्बिनेशन में अंतर, कटिंग ऑपरेशन प्लस फॉर्मिंग ऑपरेशन कॉम्बिनेशन में एक साथ होंगे, सिमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है, विथ सिंगल स्टेशन। इसमें भी कंडीशन है सिंगल स्टेशन, सिंगल स्टेशन, सिंगल स्टेशन, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, कंपाउंड में केवल कटिंग के दो ऑपरेशन हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन टूल में दो ऑपरेशन या दो से ज्यादा हो सकते हैं, बट कटिंग और फॉर्मिंग साथ में होती है, ये कंडीशन है कॉम्बिनेशन डाई में, ठीक है। तीसरा आता है मल्टीपली मल्टीपल डाई या गैंग डाई, गैंग टूल जिसे बोलते हैं, उसमें क्या कंडीशन होती है, वन स्ट्रोक, टू और मोर देन टू ऑपरेशन, मल्टीपल स्टेशन। आप गैंग टूल को कैसे समझोगे कि एक ही पिलर सेट में दो सिंपल डाइयों को अगर जोड़ दो, ये सिंपल डाई है ना, दो डाइयों को अगर हम एक ही पिलर सेट में जोड़ दें, दो से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, सिंपल प्लस सिंपल प्लस सिंपल, ठीक है, तो वो गैंग टूल हो जाता है, जिसे तुम मल्टीपल स्टेशन रहेंगे। इसमें कटिंग और फॉर्मिंग दोनों तरीके के हो सकते हैं विथ मोर देन वन स्टेशन। यहाँ डिफर करेगा कि आप इसमें और इसमें अंतर करोगे, तो ये नीचे लिखा कटिंग और फॉर्मिंग दोनों ऑपरेशन इसमें साथ हो सकते हैं, लेकिन स्टेशन ज्यादा होंगे। अब इसमें सिंगल स्टेशन नहीं है गैंग टूल में, ठीक है। अब ये चौथा हो गया, अब प्रोग्रेसिव डाई। प्रोग्रेसिव डाई क्या होती है, एक स्ट्रोक, टू और मोर देन टू ऑपरेशन अप टू फाइनल। अगर फाइनल नहीं होता कंपोनेंट प्रोग्रेसिव डाई में, तो वो प्रोग्रेसिव ना कहके हम सेमी प्रोग्रेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी। तो सेमी प्रोग्रेसिव का हमने यहाँ जिक्र कर दिया है, बट अगर प्रोग्रेसिव डाई है तो फाइनल कंपोनेंट निकलेगा। अगर एन नंबर ऑफ स्टेशन है, 10 है, तो 10वें में निकलेगा, 9 स्टेशन तक वो आइडल स्ट्रोक रहेंगे, मतलब अगर हम आउटपुट चालू होगी 10वें स्टेशन से, ठीक है। तो जब भी इसका प्रोडक्शन आप प्रोग्रेसिव डाई का निकालोगे, तो टोटल स्ट्रोक माइनस नंबर ऑफ स्टेशन, वो आपका पार्ट का प्रोडक्शन होगा। अब इसमें मल्टीपली स्टेशन है, लिखा मैंने मल्टीपली स्टेशन इन सीरीज विथ फिक्स्ड पिच। सीरीज में हो गए एक से ज्यादा, 10 स्टेशन है, 20 स्टेशन, लेकिन उसकी पिच जो है फिक्स होगी, जो भी है 100 है तो 100 100 100 की दूरी पे ही सारे स्टेशन होंगे, ये कंडीशन है, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म विथ कॉइल, ये भी कंडीशन है कि प्रोग्रेसिव डाई में जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो कॉइल के थ्रू होते हैं, ठीक है, कॉइल एंड एंगेज ईच अदर अप टू फाइनल, फाइनल तक वो पीछे वाले से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, मतलब कंक्लूजन क्या है,
कटिंग और फॉर्मिंग दोनों तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं प्रोग्रेसिव डाई में। मेटल स्ट्रिप जो है ट्रांसफर्ड वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है, वन स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन प्रोग्रेसिव डाई हो गई। लास्ट डाई है ट्रांसफर डाई। ट्रांसफर डाइज क्या होती है? सिमिलर टू प्रोग्रेसिव टूल। कंफ्यूज मत होना, ये जो प्रोग्रेसिव टूल है ना ऐसे ही ट्रांसफर टूल होता है, लेकिन स्टेशन इसमें भी मल्टीपल है और इसमें हैविंग मल्टीपल स्टेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वर्क पीस मस्ट बी सेपरेट इन ईच स्टेशन विथ फिक्स पिच। इसमें भी फिक्स पिच थी, इसमें भी फिक्स पिच पिच है, वर्क पीस चलेगा स्टेशन बाई स्टेशन, स्ट्रिप नहीं चलेगी। तो अप टू फाइनल ऑपरेशन इसमें भी था अप टू फाइनल, इसमें भी है अप टू फाइनल। डिफरेंस क्या है ट्रांसफर और उसमें? इसमें कॉइल चलेगी, इसमें वर्क पीस चलेगा, पिच इसमें भी फिक्स रहेगी, ठीक है। और ये डिफरेंस मैंने लिख दिया डिफरेंस प्रोग्रेसिव, जो मैंने सिमिलर टू प्रोग्रेसिव लिखा ना उसका जो डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। अब कॉन्क्लूजन क्या है, कटिंग और फॉर्मिंग दोनों टाइप के ऑपरेशन, कटिंग फॉर्मिंग दोनों टाइप के ऑपरेशन ट्रांसफर टूल में होते हैं, ठीक है। अब वर्क इज ट्रांसफर्ड विद मैकेनिकली कोई भी डिवाइस होगी, ऑटोमेशन हो या रोबोट हो, वो मैकेनिकली ट्रांसफर होगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, ठीक है, वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन अप टू फाइनल। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो मेरे से पूछ लो, मेरे हिसाब से इसकी फोटो ले लो, और कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। इसमें क्लियरली मैंने कोशिश करी है कि डिफरेंस भी समझ में आ जाए और एक्चुअलिटी भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो और बाकी हम ऑनलाइन अभी बता देंगे अलग अलग जो डाइयां अवेलेबल हैं, ठीक है। थैंक यू।